नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते सभी का स्वागत है थोड़ा लेट हो गए थे आज हाँ शुरू करते अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा के बारे में दिन कर रहे थे लास्ट राणा सांगा के बारे में अपन ने पढ़ा था खानवा का युद्ध और खानवा के युद्ध में अपन देख रहे थे उनके सहयोगियों का नाम किस प्रकार उनके सहयोगियों ने युद्ध किया क्या युद्ध नीति अपनाई थी क्या युद्ध के परिणाम रहे थे क्या क्या चीजें हुई थी उन सब के बारे में अपन देख रहे थे मैं ज्यादा बात न करते हुए अपने सीधा टॉपिक पर आता हूँ अपन पढ़ रहे थे बेटा खानवा का युद्ध और खानवा के युद्ध में अपन ने बहुत सारी बातें कर ली थी और एक तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी कौन कौन थे जिनके बारे में देखा था तो अपन कल पढ़ रहे थे राणा सांगा और राणा सांगा में अपना चल रहा था खानवा का युद्ध खानवा के युद्ध के, युद के बारे में देखा था मार्च को यह युद्ध होता है मार्च को युद्ध हुआ था युद्ध किस किसके बीच में हुआ बेटा तो युद्ध हुआ था राणा सांगा और इसके अलावा राणा सांगा वर्सेज अपना और किन के बीच में युद्ध हुआ था बेटा यह युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेज बाबर बाबर इनके बीच में अपने खानवा का युद्ध होता है कहां पर होता है बेटा तो ये होता है अपने रूपवास और ये जो रूपवास तहसील है ये रूपवास तहसील कहां पे है तो भरतपुर रूपवास अपने भरतपुर यहां पे अपने खानवा का युद्ध हुआ था फिर देखिएगा बेटा खानवा का युद्ध रूपवास भरतपुर में हुआ था राणा सांगा और बाबर दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था इस युद्ध का क्या परिणाम निकल कर आया था कैसे यह युद्ध हुआ था इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता किनों करी थी यह सारी बात तो मैंने आपको कल बता दी थी इस युद्ध का मेन अपने परिणाम देखना था कि युद्ध का परिणाम क्या निकला बेटा तो युद्ध का परिणाम बाबर की विजय बाबर की विजय भारत में भारत में मुगल सत्ता मुगल सत्ता हमेशा के लिए हमेशा के लिए स्थापित स्थापित हो गई इस युद्ध से मुगल सत्ता हमेशा के लिए स्थापित हो गई राजस्थान में राजपूत शासकों की राजपूत शासकों की सबसे बड़ी पराजय सबसे बड़ी पराजय राजस्थान में जो राजपूत शासक थे उन राजपूत शासकों की यह सबसे बड़ी पराजय थी क्योंकि इस युद्ध में राजपूत शासक हार जाते हैं अब इस युद्ध में हार के कारण क्या थे अब अपन बात करते हैं कि युद्ध में हार के कारण हार के कारण क्या थे बेटा तो हार के कारणों में एक पहला कारण आता है बाबर द्वारा युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाना बाबर द्वारा युद्ध में तुलगमा पद्धति अपनाना पद्धति अपनाना जिससे अपने राजस्थान के राजपूत शासक अन्य थे तुलगमा पद्धति के बारे में उनको कोई पता नहीं था तुलगमा पद्धति के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी देखो बेटा तुलगमा पद्धति होती क्या है तो इधर से ये विशाल बाबर की अकबर अपने राणा सांगा की विशाल सेना ये पूरी की पूरी किसकी विशाल सेना है ये अपने राणा सांगा की विशाल सेना राणा सांगा की सेना है ये पूरी की पूरी हरावल सेना इसको अपन कह सकते हैं राणा सांगा की हरावल सेना ये पूरी की पूरी सेना इस पूरी सेना के साथ राणा सांगा ने एक साथ आक्रमण कर दिया राणा सांगा ने इस पूरी सेना के साथ क्या कर दिया बेटा एक साथ अटैक कर दिया जबकि बाबर ने इस युद्ध को इतनी कूटनीति के साथ लड़ा कूट बाबर ने क्या किया था यहां पर अपनी जो सेना ही थी अपनी सेना की एक टुकड़ी को इन्होंने इस प्रकार आगे दस हजार सैनिकों को यूं लंबा का लंबा, लंबा खड़ा कर दिया और इनके हाथों में इन्होंने तलवारे और इनके पीछे तीर धनुष वाले सैनिक इस प्रकार खड़े कर दिए थे इन्होंने पीछे दो टुकड़ियां और सेफ टू सेफ रख ली थी ये दो टुकड़िया इन्होंने पीछे सेफ टू सेफ रख ली थी इस प्रकार आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाहुबली मूवी और बाहुबली मूवी में पूरा यही सीन होता है एक टुकड़ी वो और पीछे सुरक्षित रखते हैं

यानी कि राजपूतों की जो सेना थी इनको बाबर की सेना ने तीन ओर से हमला कर दिया था केवल इनके पास एक ही रास्ता था पीछे की तरफ इधर से कोई नहीं थे जब राजपूत शासक लड़ रहे थे लड़ते 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 भयंकर इस लड़ाई में थक जाते हैं तब बेटा ये जो है ये एक सैनिक टुकड़ी इनके ऊपर और टूट पड़ती है जिसके कारण ऐसे कहते हैं कि बाबर इस युद्ध में जीत जाता है बाबर की विजय हो जाती है ऐसा युद्ध आप लोगों ने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि बाहुबली ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी को ऐसे पूरी की पूरी आगे खड़ी कर दी थी उनके आगे जो है तीर कमान वाले खड़े कर दिए थे जैसे ही तीर चलाने लगे दूर से ही सेनाओं को गिराने लगे जैसे जैसे उनके सैनिक पास में आए तीर कमान वाले पीछे हो गए और वो तलवारे वाले आगे खड़े हो जाते ताकि उनकी सेना को रोक ले फिर उनका काम वापिस पीछे तीर वालों का वो पीछे खड़े होकर तीर मारते रहे मारते रहे और शत्रु सेना का पूर्ण संहार कर दे फिर बचे कुचे सेनाओं को घेरने के लिए आपने देखा होगा कि जिस प्रकार बाहुबली और कटप्पा दोनों ही जो है दोनों तरफ से निकले थे वैसा पूरा सीन यहां पर भी वका हुई वो तुलुगमा पद्धति अपने किस युद्ध में देखने को मिली भारत में सबसे पहले तो तुलुगमा पद्धति अपन ने देखी थी खानवाक के युद्ध में बात समझा कि बेटा तो युद्ध हारने का एक बड़ा कारण तो यह था युद्ध हारने का दूसरा बड़ा कारण क्या था तो तोप गोले बारूद का प्रयोग तोप गोले बारूद का प्रयोग जो पहली बार हुआ जो पहली बार हुआ तोप गोले बारूद का प्रयोग जो पहली बार हुआ राजस्थान में इससे पहले राजपूत शासक जानते ही नहीं थे कि तोपे होती क्या है तोपे चलती कैसे हैं राजपूत शासकों को इन तोपों से कोई लेना देना नहीं था जब इनको तोपों से कोई लेना देना नहीं था तो यहां पर तोप के बारे में ये जानते नहीं थे और यहां पर दो व्यक्ति इनके तोपची दो तोपची थे जिनका एक का नाम था मुस्तफा और एक का नाम उस्ताद खा मुस्तफ़ा व उस्ताद ये दोनों इनके बहुत ही अच्छे तोपची हुआ करते थे इनके नाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं याद रखना मुस्तफा और उस्ताद खा या उस्ताद अली मुस्तफा और उस्ताद अली ये इनके दो बहुत अच्छे तोपची थे इन्होंने पूरे युद्ध का फैसला ही बदल दिया था पूरे युद्ध को नक्शे बदल दिया था राजपूत और राजपूत से दिया था तो एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है तो मुस्ताफ मुस्तफा और उस्ताद अली ये दोनों तोपची और यह दोनों तोपची क्या कर रहे थे तो बाबर की सेना जो है बाबर की सेनाओं को इतना मजबूत कर दिया था कि बाबर की सेना बाहरने का कोई चांस ही नहीं रहा था तोपची फिर तीसरा कारण बाबर ने इस युद्ध को जेहाद का नारा देकर के बाबर ने इसे धर्म युद्ध बता दिया था इन्होंने मुस्लिमों में जोश भरने के लिए कहा कि युद्ध एक सत्ता पाने के लिए युद्ध नहीं है यह एक धर्म युद्ध है और इस युद्ध को अगर नहीं जीता तो कोई मतलब नहीं भारत से हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम सत्ता समाप्त हो जाएगी सर पहली बार पानीपत के युद्ध में हो चुका था मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं बेटा मैं पानीपत के युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं अपने राजस्थान में पहली पहली बार बार तोप गोले बारूद का प्रयोग किया जा रहा था जिससे राजपूत थे मैं भी मानता हूं कि भारत के इतिहास में में इनका पहली बार 1519 में ही प्रयोग कर लिया गया था लेकिन अपने यहां पर पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया तो पहली बार प्रयोग खानवा के युद्ध में किया गया था पंद्रह इससे पहले तोपो का कभी प्रयोग नहीं किया गया था राजस्थान के राजा तो के बारे में जानते तक नहीं थे हां हां बिल्कुल बिल्कुल देशराज मैं तेरी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि सर इनका पहली बार प्रयोग बिल्कुल सरपंच पुनासा राम राम सर जी बिल्कुल राम राम जी राम राम देखो अब आगे तो गोले बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था और क्या बात याद रखनी इनके बारे में तो और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात याद रखनी बाबर ने इसे युद्ध की संज्ञा दी बाबर ने इसे धर्म युद्ध युद बताया जिससे जिससे मुस्लिम सैनिकों में जिससे मुस्लिम सैनिकों में जोश भरा और जेहाद का नारा दिया जेहाद का नारा दिया नारा कौन सा दिया यहां पे? जेहाद का नारा जी अब तो बात समझ में आ गई हाँ देशराज अब पूछ ले अगर कोई बात रह गई हो तो अब तो बात समझ में आ गई कि यहां पे बाबर ने जेहाद अपन बात बात करते ना ये जेहादी सोच जेहादी सोच जेहाद जेहाद का मतलब ये धर्म युद्ध बताया इसमें जो है मुस्लिम सैनिकों में और तीसरा बड़ा कारण क्या था तीसरा बड़ा कारण माना जाता है राणा सांगा के सहयोगियों ने उनके साथ धोखा कर दिया था एक तो खानजादा ने और एक इसके अलावा अपने सैलद तंवर ने इन दोनों ने बाबर के साथ जो है बाबर के साथ मिल गए थे और राणा सांगा के साथ विश्वासघात कर दिया था तब अपने एक कहावत चली थी हमको तो अपनों ने लूटा घेरों में कहाँ दम था हम तो अपनों की वजह से हारे घेरों की वजह से कभी युद्ध नहीं हारे तो एक कारण यह भी माना जाता है कि बाबर के जो है बाबर के साथ राणा सांगा के दो सहयोगी थे एक का नाम सहलदी तंवर और एक का नाम था खान जादा दोनों उनसे जा मिले थे जो बाबर की शक्ति थी बाबर की शक्ति थी जिसके कारण भी बाबर यह जीत गया था चौथा बड़ा कारण अगर आप लोगों से पूछ ले तो सहलदी तवर सहलदी तवर व खान जादा बाबर से जा मिले जो बाबर की अदृश्य शक्ति थी बाबर की अदृश्य शक्ति थी जो बाबर की कैसी शक्ति थी बेटा अदृश्य शक्ति थी बाबर इस शक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी बाबर को इस शक्ति के बारे में और बाबर से जा मिले इसकी वजह से भी राणा सांगा युद्ध हार जाता है एक बड़ा कारण यह भी था सर पाति पर्वण का भी बता दो ठीक है मैं पातिपर्वण के बारे में बताया था फिर भी अब मैं एक बार और बता दूंगा आपको है ना मोहिनी फौजदार अभी मैं पातिपर्वण के बारे में और बता दूंगा इसके अलावा बाबर ने सैनिकों में जोश भरने के लिए इनके यहाँ पे कोई मुस्लिम ज्योतिष थे उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ पे सारे व्यक्ति मरेंगे राणा सांगा सबको निपटाएगा अब जब राणा सांगा सबको निपटाएगा तो उनके अंदर एक डर बैठ गया था कि इसका अपना भी नंबर आ सकता है अपन भी इसमें मारे जा सकते हैं तो वो युद्ध में न मारा जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया था उन्होंने जो युद्ध करने से पहले ही जो है युद्ध से पहले बाबर की सेना में अपरा अपरी मच गई थी तो राणा बाबर ने सांगा से युद्ध जीतने के लिए जो है उन्होंने अपनी सेना में जोश भरने के लिए उन्होंने सैनिकों को बुलाया इधर आओ क्या ही दिक्कत है उन्होंने कहा सर मेरा कमेंट शो करता है क्या राम बाबू बिल्कुल आपका कमेंट बहुत अच्छे से शो करता है आप लोग सोचते होंगे कि बाकी के कमेंट हमें नहीं दिखते नहीं बाकी के कमेंट नहीं दिखेंगे आपको सबकी अपनी अपनी पर्सनल चैट होती है हमारी प्राइवेट चार्ट प्राइवेट चार्ट नहीं सॉरी प्राइवेट चेट का ऑप्शन दे रखा है केवल आपके कमेंट मुझे दिखेंगे या फिर आपको ही दिखेगा बाकी ऐसे हर बच्चे के कमेंट अपने आप जैसे सबको ऐसे वरना हम सबके शो करने लग जाएंगे तो आप आपस में बातें करने लग जाओगे सारे विद्यार्थी एक दूसरे कमेंट देख पाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि सारे विद्यार्थियों कमेंट आप देखो वरना फिर आपका ध्यान पूरा उसी के ऊपर रहेगा किसने क्या लिखा किसने क्या लिखा अच्छा ये ये लिख रहा है अच्छा ये ये लिख रहा है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ना ये सुविधा है आप लोगों के लिए चलो देखो इधर तो बाबर ने कहा कि नहीं युद्ध तो हम करेंगे ऐसा कैसा संगाजा हार जाएंगे दिल्ली सल्तनत तक ऐसे ही थोड़ी ना पहुंचे हैं सैनिकों उन्होंने कहा हमें नहीं मरना है दादा हमें बक्स तुम्हें मरना है तुम मरो तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो हम नहीं लड़ने वाले हम तो जा रहे हैं तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए उनको कहा पगलो ऐसे कैसे चले जाओगे मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं मैं मरूंगा तो सैनिकों ने कहा नहीं ये तुम नहीं बोल रहे ये तुम्हारा नशा बोल रहा है तुम्हारे अंदर का वो दारू बोल रहा है बाबर ने कहा आज के बाद ये दारू छोड़ दिया गया आज के बाद ये तानसेन छोड़ दी गई आज के बाद ये बीड़ी का ये बीड़ी का बंडल तोड़ दिया गया और सारी चीज़ों को उन्होंने तो त्याग दिया था यानी बाबर ने यहां पर कोई धूम्रपान कोई नशा न करने की प्रतिज्ञा कर ली थी आज के बाद ये पावे दोनों आज आज पी लेते हैं आज के बाद फेंक देते हैं आज के बाद नहीं पिएंगे तो बाबर ने यहां पर सभी प्रकार की जितने भी मादक पदार्थ थे सारे मादक पदार्थ को त्यागने की घोषणा करी जिससे उनके सैनिकों और जोश आया यार राजा अपने लिए इतना इतना करके ऐसे ऐसे कर रहा है बाबर ने सारी चीजें यहां पर त्याग दी थी इसके अलावा अपने से पूछ ले इसमें और कारण क्या था तो राणा सांगा खानवा अपने बयाना युद्ध के विजय से अति आत्मविश्वासी था जो भी उसकी पराजय का एक कारण बना था तो सांगा बयाना युद्ध बयाना युद्ध के बाद अति आत्मविश्वासी अति आत्मविश्वासी था जो उसकी पराजय का दूसरा कारण बना जो उसकी पराजय का दूसरा कारण बना जो उसकी पराजय का दूसरा कारण बना हाँ बिल्कुल वो मैंने अभी ही दिया आपको है ना जी देखो अभी आपने किरण योगी कहा और आपके सामने ये बात आएगी, अब देखो बेटा इस युद्ध के बाद हुआ क्या अब यह युद्ध में जब राणा सांगा हार गए थे तो राणा सांगा के सहयोगी थे झाला अज्जा उन्होंने राणा सांगा का छत्र धारण किया और राणा सांगा को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाला और राणा सांगा को इस युद्ध से सुरक्षित बसवा दोषा ले जाया गया था तो एक बात और याद रखना खानवा युद्ध खानवा युद्ध पराजय के बाद पराजय के बाद राणा सांगा को राणा सांगा को बसवा बसवा दोसा ले जाया गया राणा सांगा को बसवा दोसा ले जाया गया आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राणा सांगा जब इस शुद्ध में घायल हो गए थे तो उनको बस में बिठा करके कहां ले जाया गया था तो राणा सांगा को बस में बिठा करके अपने बसवा दोसा ले जाया गया था याद रह जाएगा तो राणा सांगा जैसे ही युद्ध में घायल हुए थे तो उनके घायल होने के बाद उनको कहां ले जाया गया तो बसवा दोसा लेकिन इसके बाद भी यहां बसवा दोसा से ये कहां चले जाते इरिच एमपी कहां चले गए थे बेटा इरिच एमपी बसवा से बसवा से मेवाड़ी सरदारों ने मेवाड़ी सरदारों ने अपना डेरा अपना डेरा इरिच गांव इरिच गांव एमपी में डाला यहां जैसे राणा सांगा को इरिच गांव में होश आया और होश आते राणा सांगा ने जो है राणा सांगा ने जो से होश आया और होश आते राणा सांगा ने का, कहा है बाबर कहां है बाबर कौन है बाबर उन्होंने कहा कौन बाबर बाबर मर चुका है बाबर जीत चुका है अपन हार गए और अपन ईरीच गांव में आ चुके हैं तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हार गए अपने साथ ऐसा ऐसा धोखा हो गया अपन ऐसे युद्ध हार गए हैं उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं तब तक मेवाड़ नहीं जाऊंगा तब तक पार्क धारण नहीं करूंगा जब तक कि मैं बाबर को हरा नहीं देता हूं सामुदान गाय यह तो पहले मर रहे हैं अपने को और मारेंगे ये तो मरने में ही है इनके तो पैसे ही एक आंख नहीं है एक हाथ नहीं है एक पैर नहीं है ऐसे तो स्थिति है राणा सांगा की एक हाथ नहीं है एक पैर नहीं है एक आंख नहीं है एक साइड में बाल नहीं है शरीर पर हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं मरेंगे जो तो मरेंगे अपने को लो और ले डूबेंगे कहना गया सनम तुम तो डूबोगे जो डूबोगे हमें भी लो डूबोगे फिर बाद में सामंतों ने परिस्थिति को समझा और सामंतों ने राणा सांगा को यहां पर दे दिया था जहर और जब इनको जहर दिया गया था तो जब जहर दिया गया तो राणा सांगा की कालपी और कालपी वर्तमान यूपी में हुआ करता है जहां राणा सांगा की मृत्यु तो कालपी कालपी यूपी में राणा सांगा की मृत्यु तो एक बात और याद रख लेना कालपी और कालपी कहां पे बेटा यूपी में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है यानी राणा सांगा काल कहां गया तो कालपी और कालपी कहां पे है यूपी लेकिन राणा सांगा ने मरने से पहले जो है इनकी मृत्यु कितनी तारीख के दिन हुई युद्ध के एक साल बाद मृत्यु बेटा 30 जनवरी पंद्रह 30 तीस जनवरी पंद्रह तब तक ये मेवाड़ नहीं गए थे तब तक भाई साहब ये यहीं इधर उधर ही रहते थे और फिर 30 जनवरी पंद्रह को जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो राणा सांगा की अंतिम इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार हमारी वहीं ले जाकर किया जाए और यह अपने राजस्थान की एक परंपरा भी है बेटा कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी इनको इनके पैतृक गांव लाया गया था और इनका पैतृक स्थान मेवाड़ और मेवाड़ का पहला किला आ जाता है मांडलगढ़ का किला तो इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया था तो याद रखना बेटा राणा सांगा का अंतिम संस्कार राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भिलवाड़ा में किया गया मांडलगढ़ भिलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार किया गया था इनकी छतरी बनी हुई है और इनकी छतरी भी कहां पर है तो इनकी छतरी भी बनी हुई मांडलगढ़ और ये मांडलगढ़ पे बेटा अपने राणा सांगा की छतरी बनी हुई है कभी आप लोगों से पूछ ले कि राणा सांगा की छतरी कहां तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ दुर्ग में और मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर बेटा तो मांडलगढ़ दुर्ग है अपने बिलवाड़ा में ऐसे अपने वीर राणा सांगा की मृत्यु होती है ऐसे करके अपने राणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं तो ये सारी बातें अपने खानवा के युद्ध के बाद की बातें थी खानवा के युद्ध से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको कल बता दी थी खानवा के युद्ध से पहले एक बयाना की लड़ाई भी अपने देख ली थी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोगियों के बारे में देख लिया था और इसके अलावा एक बात और याद रख लेना दो चार बातें इनके साथ लगे हाथ और बता देते हैं मीराबाई मीराबाई राणा सांगा के पुत्र राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी भोजराज की पत्नी थी ये भोजराज इस दुनिया का सबसे अच्छा पति है जिसने रानी मीराबाई से ब्याह जरूर किया था लेकिन मीराबाई से जो है मीराबाई जो है बेटा आप एक बात याद रखना मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था राणा सांगा जो है राणा सांगा के पुत्र के साथ लेकिन इस भोजराज से अच्छा पति इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता है जिस दिन शादी करके पहले दिन आए थी तो उसी दिन उन्होंने कह दिया देख मैं जो है मैं मेरा पति मान चुकी हूं आप मेरे पति हो नहीं बोधराज ने कहा यार पगली ऐसे क्या बात करती है ब्याह हमारे साथ हुआ हम आपके पति उन्होंने कहा नहीं ब्याह भले तुम्हारे साथ हुआ लेकिन मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण है मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ और जब मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ तो फिर मैं उन्हीं के साथ जीवन यापन करूंगी उन्हीं के साथ मैं अपना जीवन बिताऊंगी उन्हें भगवान है ही नहीं धरती पर ऐसी कैसी बात करते हो तुम उन्होंने कहा नहीं किसने कहा भगवान नहीं है और फिर बाद में उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई थी उनको कि मेरा भाई की उन बातों से भोजराज बहुत प्रभावित हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में तुम भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हो और तुम ही उनकी असली जो है पत्नी होने के हकदार हो और मैं तुम्हारा पति होने का हकदार नहीं हूं उसके बाद भोजराज इनके हमेशा इनकी हेल्प किया करता था भोजराज बहुत अच्छा पति था इस वर्ल्ड ब्रह्मांड में सबसे अच्छा पति था आज ऐसे पति मिलते नहीं है आज अगर कोई पत्नी कहते कि तुम मेरे पति नहीं हो मेरे पति तो मैं को हूं। है। धमार, धमार, धमार। अच्छा। भगवान को मानती हूँ कौन करता है इनके बारे में अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि राणा सांगा ने मीराबाई के साथ बुरा किया था बिल्कुल सांगा ने मीराबाई के साथ बुरा किया था वो भी चाहते थे एक बात सोचो बेटा आप क्योंकि ये जो है ना भोजराज तो अपने खानवा अपने खातोले के युद्ध में मारा गया था 1517 में मेरा भाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन रहती थी अब राणा सांगा को ये बात ठीक नहीं लगती थी कोई देखो आज आपकी बहू हो आज आपकी पत्नी हो आज आपकी पत्नी साधु संन्यासियों के साथ ऐसे भजन वजन बोलने के लिए रात को चली जाए ऐसे अपने घर से चली जाए आपके पिताजी के ऊपर कैसी गुजरेगी आपके पिताजी को क्या लगेगा कि यार जवान बेटा है बेटा मर गया जवान बेटा और ऐसे अपनी बहू ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रही है उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा तो उन्होंने जहर वहर भी दिया जितना उनको यातनाएं दे सकता था उतनी सारी यातनाएं उन्होंने दी तो ये जितनी भी बातें हैं ये सारी यातनाएं हैं जितनी यातनाएं है देनी थी सारी यातनाएं उनको दी गई थी भोजराज जो है इस खातोली के युद्ध में मारा जाता है खातोली के युद्ध में मृत्यु हो जाती है एक बच्चा कह रहा है कि सर एक वो है ना वो पाती पर्वण क्या है वो पाती परवण बता दो देखो बेटा पाती परवण का मतलब होता है पत्र भेज करके सहायता मांगना मेवाड़ में पाती का मतलब होता है अपना हिस्सा मेवाड़ में आज भी जो व्यक्ति कोई भी होते हैं कुछ भी बांटना होता है तो वो एक ही बात कहते हैं पाती परवाने बांट लो पाती परवाने बांटने का मतलब जितना हिस्सा तुम्हारे आए उतने उतने हिस्से में तुम बांट लो रोटी भी खाएंगे तो एक ही बात कहेंगे कि पाती परवाने तुम रोटी को बांट लो देखो शिवशांत ये मैंने जो है ना मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग कब किया मीराबाई उसके बाद कहाँ गई थी मीराबाई के बारे में क्या बातें हैं मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं ये सारी बातें मैंने संत संप्रदाय टॉपिक में मीराबाई के बारे में पढ़ा दिया अब मैं वापस इन चीजों को वापस रिपीट करूंगा अपने मेवाड़ के इतिहास में वैसे भी ये तेरवा लेक्चर चल रहा है और अभी तो कम से कम आठ दस लेक्चर और चलेंगे आठ लेक्चर तो मरे से मरे चलने ही चलने हैं तो फिर इससे ये मेवाड़ बहुत लंबा हो जाएगा बहुत जाएगा इतना लंबा मैं इसको करना नहीं चाहता हूं फिर आप लोगों को पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा आपको यार इतना को, इतना कौन लंबा पढ़ता है बाद में जो बच्चे पढ़ते हैं ना उन बच्चों को इतना कद देख सी तो उनको थोड़ा यूं बुरा लगता है खातोली का युद्ध कब हुआ मारी बच्चों प्यारे बच्चों क्या बताऊं तुमको पंद्रह सौ सत्रह में कल वाली बातें नहीं पढ़ी तुम लोगों ने कल क्लास में नहीं थे क्या बार बार तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो युद का युद्ध कब हुआ कबू कब पाती परवाने का मतलब बता रहा था मैं केवल पाती परवाने का मतलब होता है अपने अपने हिस्से का बांट लेना इसका मतलब होता है पत्र भेज करके उन्होंने सबसे सहायता मांगी कि आप अपने पाती परवाने जितनी सहायता कर सको जितने सैनिक भेज सको इस युद्ध में उतने सैनिक भेज दो उसको बोलते हैं पाती परवण गजब है कल वाली क्लास जाके देखना एक बार राणा सांगा के बाद देखो बेटा पंद्रह में राजा कौन बनते हैं मेवाड़ के तो फिर राजा बनते हैं रतन सिंह रतन सिंह राजा बने थे और रतन सिंह राजा बने थे बेटा कब पंद्रह और कब तक राजा रहे थे पंद्रह सो से पंद्रह सो तक राजा रहते रतन सिंह अब रतन सिंह भोजराज के बाद राणा सांगा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उस समय विक्रमादित्य उदय सिंह ये छोटे छोटे थे इतने ज्यादा बड़े थे नहीं बच्चे थे उस समय अब जब वो छोटे बच्चे थे तो अपने रतन सिंह को यहां का राजा बना दिया रतन सिंह को कहा नहीं एकदम तबियत सही है तबियत एक तबियत के एक परसेंट भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा तबियत में तो आज तो सही लग रही है ना कै में रतन सिंह रतन सिंह के बारे में देखो अब रतन सिंह को राजा बनाया रानी कर्मावती चाहती थी कि उनका बेटा विक्रमादित्य राजा बने और विक्रमादित्य को राजा बनाने के लिए उसने खूब प्रयास किया खूब प्रयास किया विक्रमादित्य को राजा बनाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही थी विक्रमादित्य उस समय बच्चा था फिर भी वो चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने माता तो ऐसी होती है आपने देखा भी होगा भगवान श्री राम की जगह भरत को राजा बनाने के लिए के कही ने अपने सबसे प्रिय पुत्र भगवान श्री राम को वनवास दरा दिया था तो यहां पर भी यही हुआ कर्मावती चाहती थी कि उनका बेटा विक्रमादित्य राजा बने या उनका बेटा उदय सिंह राजा बने जबकि अपने जो है रतन सिंह राजा बन जाते हैं ये राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे उस समय अब इनको जैसे राजा बनाया और ये ज्यादा कोई काम तो कर नहीं पाए मेवाड़ की स्थिति उस समय दयनीय हो चुकी थी उस दयनीय स्थिति में इन्होंने कर्मातीन और ज्यादा दयनीय कर दी थी रतन सिंह को कहा कि आपके मामा के वहां जाओ उन्होंने कहा मेरे मामा के वहां तो बुलाया नहीं है कि नहीं तुम्हारे दूसरे वाला मामा यानी कि मेरे भाई सूरजमल हाड़ा उनके वहां चले जाओ वहां एक उत्सव हो रहा है एहरिया उत्सव और एहरिया उत्सव में जो है एहरिया उत्सव में जाकर के तुम एक बार बात करके आओ एहरिया उत्सव जाओ और एहरिया उत्सव में जाकर के तुम देखकर आओ कि कैसा क्या माहौल है मजा आएगा अग्नि नहीं आएगा तो फिर बाद में ये रतन सिंह जो है बेटा ये गए थे अहरिया उत्सव में और ये अहरिया उत्सव कहां पर आयोजित हो रहा था बूंदी में अहरिया उत्सव बूंदी में बूंदी में सूरजमल सूरजमल हाड़ा ने आयोजित करवाया आयोजित करवाया इस उत्सव में इस उत्सव में रानी कर्मावती के कहने पर रानी कर्मावती के इशारे पर रानी कर्मावती के इशारे पर रतन सिंह रतन सिंह की हत्या कर दी रतन सिंह की हत्या कर दी तो मेवाड़ की स्थिति पहले ही दयनीय हो चुकी थी और दयनीय स्थिति में और ज्यादा दयनीय कर दी गई थी रतन सिंह इस युद्ध में या अहरिया उत्सव में मारा गया था और उसके बाद जो है उसके बाद फिर नए राजा बने थे उसके बाद जो राजा बने थे उनका नाम था बेटा विक्रमादित्य यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य का शासनकाल कब से कब तक रहा तो पंद्रह से पंद्रह 1531 से 1536 तक राजा का शासनकाल रहता है विक्रमादित्य का शासनकाल विक्रमादित्य ने क्या क्या, क्या काम किए थे मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बने थे पहली बात तो एक याद रखना मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बने पूरी इतिहास वो कवई दोहराने वाली स्थिति जैसे अपने पृथ्वीराज चौहान 11 साल की आयु में राजा बने थे वैसे ही ये भी बने थे सर कितने टॉपिक बचे हैं हिस्ट्री खत्म होते ही वापिस लाइव चल जाएगी अरे जैसे टॉपिक पूरे हुए अब तो शायद एक तो एक टॉपिक बच रहा है कछुआ वंश और एक छोटे छोटे से जाट वंश वगैरह निये बच रहे हैं ज्यादा अब नहीं बचा इसके बाद कुछ इतिहास नहीं बचा है और गुजर प्रत्यार वंश में एक एक क्लास गुजर प्रत्यार वंश की बच रही है छोटे छोटे से फिर जाट वंश एक दिन में खत्म यादव वंश एक दिन में खत्म फिर छोटे छोटे से राजवंश है उनमें ज्यादा समय नहीं लगता है राम बाबू अहरिया उत्सव क्या है अहरिया उत्सव बेटा इन्होंने एक उत्सव आयोजित करवाया अब ये होता नहीं है एक उत्सव यहाँ पे खेल कूद के लिए क्रीडा के लिए एक उत्सव आयोजित करवाया था जिसका नाम था अहरिया उत्सव उस अहरिया उत्सव में जो है सर आज कुछ अहरिया उत्सव का मतलब होता है बेटा ऐसा आज कुछ लग रहा है क्या कुछ सीरियस लग रहा होंगे हमें हमारे टेक्निकल टीम वाले नहीं लग रहे हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है हाँ जी बेटा देखो सच में ना? सच में ना नहीं है मेरे पे अभी मैं सो के उठा था इसलिए अच्छा चलो बेटा देखो का मतलब क्या होता है तो ये खेल कूद के लिए क्रीडा के लिए एक आयोजन कराया जाता है ऐसा नहीं कहता अपन शिकार के लिए तो शिकार के लिए जाते हैं तब है ना तब हाँ ठीक है पहले मेवाड़ का इतिहास तो पूरा करा दे गुर्जर पर वंश करा देना तुम बीच में तुक्के मार देते जब बाटे फेंक देते जब ये करा देना है। पहले मेवाड़ पूरा होगा उसके बाद बात करेंगे तब तक कोई कोई शुरू हो नहीं होगा कोई बीच में बातचीत नहीं होगी ऐहिया अपने इससे शिकार विकार करने के लिए जाते हैं उसको कहता है उत्सव उस अहरिया में शिकार के बहाने इनको निपटा दिया था और कुछ नहीं है ग्यारह वर्ष की आयु में ये राजा बने थे मंदिर टॉपिक भी करवा लो सर जी सारा करवा लूंगा सौरा करवा दूंगा ना करा दूंगा आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले मुझे दौलत राम जी सबसे ज्यादा चिंता आप ही की है इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए आपका सिलेक्शन चाहिए मिठाई उठाई खानी है आपके नाम पर है? मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन 100 परसेंट हो जाएगा आ, कल की तरह पढ़ाओ याद जल्दी <laughs> मैं कल की तरह ही पढ़ा रहा हूं आज या ऐसा कुछ नहीं मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोग ऐसे बावड़ो तरह कर रहे हो चलो कल पढ़ेंगे फिर अब है ना ये क्योंकि ये बीच में रह जाएगा आधा अधूरा भी कहानी बीच में छूट जाएगी इसको अपन कल पढ़ेंगे फिर अपनी अगली जो वो वाद्य यंत्र वाली क्लास है ना वो वाली करेंगे सभ्यता तो पढ़ा दिया ना सभ्यता करा दिया आप देखना एक बार उसमें सभ्यता हो रखा है बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार राम राम राधे राधे पढ़ते रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें अगली क्लास आपकी मनोविज्ञान की क्लास होने वाली है और साइंस की क्लास चलने वाली है तो जिनके साइंस है वो साइंस पढ़ेंगे जिनके मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान पढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत うん。<noise>